नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। पटना के गांधी घाट पर गंगा का जल स्तर खतरे के निशान से 6 सेंटीमीटर ऊपर चला गया है। पिछले दिनों 3 बजे गंगा का जल स्तर 48.66 मीटर नापा गया। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में गंगा के जल स्तर में कुल 9 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। एक बार फिर से स्थिति डरा देने वाली है। क्या है पूरी रिपोर्ट, आइए आपको बताते हैं। पटना के गांधी घाट पर गंगा का जल स्तर खतरे के निशान से 6 सेंटीमीटर ऊपर चला गया है। मंगलवार की शाम 3 बजे गांधी घाट पर 48.66 मीटर जल स्तर मापा गया। यहां खतरे का निशान 48.60 मीटर है। पिछले 24 घंटे में गांधी घाट पर 9 सेंटीमीटर जल स्तर में बढ़ोतरी हुई है। सोमवार की शाम 3 बजे गांधी घाट पर 48.57 सेंटीमीटर जल स्तर मापा गया था। वहीं हाथीदह में गंगा का जल स्तर खतरे के निशान से 85 सेंटीमीटर ऊपर है। मंगलवार की शाम 3 बजे हाथीदह में 42.31 मीटर जल स्तर मापा गया। यहां खतरे का निशान 41.76 मीटर है, लेकिन दीघा घाट पर गंगा का जल स्तर खतरे के निशान से नीचे है। नेपाल में भारी बारिश का पानी गंडक नदी के माध्यम से गंगा में पहुंच रही है। इसके जल स्तर में लगातार फ्लक्चुएशन हो रहा है। 3 दिन पहले 3.5 लाख घन मीटर पानी डिस्चार्ज हुआ था, यह घटकर 1.5 लाख घन मीटर हो गया है। ऐसी स्थिति में बुधवार की शाम से गंगा के जल स्तर में कमी आनी शुरू होगी। कंगन घाट के पास गंडक नदी गंगा मिल रही है। गंडक नदी में अधिक पानी का दबाव होने के कारण गांधी घाट पर बैकफॉल आ रहा है। सोमवार की शाम 3 बजे दीघा घाट पर 49.62 मीटर जल स्तर मापा गया है। यहां खतरे का निशान 50.45 मीटर है। इधर सोन नदी खतरे के निशान से नीचे बह रही है। श्रीपालपुर घाट पर पुनपुन नदी खतरे के निशान से महज 5 सेंटीमीटर ऊपर है। आपको बता दें कि नेपाल में हो रही भारी बारिश के वजह से लगातार बिहार में बाढ़ की स्थिति पैदा हो रही है। उत्तरी हिस्सा जो बिहार का है वो लगातार बाढ़ से प्रभावित है और उधर काफ़ी ज़्यादा हाहाकार भी मच रहा है। इधर गंडक की वजह से गंगा के जल स्तर में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, जो कि स्थिति एक बार फिर से भयभीत कर देने वाली है। आगे बाढ़ की स्थिति क्या होगी, ये भी खबर हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। अन्य कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।